प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आज बड़े ही बुद्धिमत्ता के साथ माननीय पहलवान धर्मवीर जी ने बड़े अहम सवाल उठाए हैं और इन सवालों का जवाब इस्लाम वालों के पास नहीं है। और वैसे ही गणेश दास जी ने भी बहुत सवाल उठाया है, इन सवालों का जवाब इस्लाम वालों के पास नहीं है और ना ये दे पा रहे हैं। ये वीडियो खेल खेलना चाहते हैं। मैं आपको लंबी जवाब सुना देता हूँ कि धर्मवीर जी पूछना क्या चाह रहे हैं। धर्मवीर जी इस्लाम जगत से पूछना ये चाह रहे हैं कि क़ुरान में अल्लाह ताला ने मूर्ति पूजा को के ख़िलाफ़ प्रचार किया है, एक अल्लाह को छोड़कर किसी और को न मानने की बात कही है, जबकि आदि सृष्टि में वेदों में ही एक ईश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना नहीं है ये बताया गया, इसके बावजूद भी मूर्ति पूजकों के ख़िलाफ़ मूर्ति पूजा करने वालों को मारो कत्ल करो दुनिया भर के कुरान भरे पड़े हैं। लेकिन धर्मवीर जी ने आज पूछना ये चाहा कि जो मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति पूजकों ने मूर्ति को ईश्वर मान करके कोई नहीं पूछता है, मूर्ति में ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईशावासम इदम सर्वम यत्किंच जगत त्यंग जगत है, कि वह इस बास करने वाला हर जगह है, उससे कोई जगह खाली नहीं, इसलिए मूर्ति में ईश्वर है, मूर्ति से बाहर भी ईश्वर है। तो मूर्ति पूजकों ने मूर्ति में ईश्वर है समझ करके मूर्ति को पूजते हैं। अब इस्लाम वालों को अगर आपत्ति है और अल्लाह को इससे गुरेज है, अल्लाह को इससे दुश्मनी है, जो इस्लाम वालों को उन्हें कत्ल करने के लिए बोल रहे हैं जो मूर्ति पूजक हैं, लेकिन इस्लाम वाले मूर्ति पूजक नहीं है क्या? धर्मवीर जी ने सवाल उठाया कि जब आप लोग हज करने के लिए जाते हैं और शैतान को कंकड़ मारते हैं, क्या वाकई में शैतान है वहाँ पर या उस पिलर को शैतान समझ करके मारते हैं? तो आप अगर पीलर जो शैतान नहीं है उसको शैतान समझ करके मारते हैं, आपका सही है, और हम मूर्ति में ईश्वर मान करके मूर्ति पूजते हमारा गलत है। इस मूर्खता का क्या दाद दिया जाए, इस जहालत का क्या दाद दिया जाए? आज पहलवान धर्मवीर जी ने यही सवाल उठाया है मानव समाज में कि दुनिया के लोग अपने गलती को गलती नहीं मानते हैं और इस्लाम तो व्यक्ति पूजा है, व्यक्ति पूजा पर निर्भर है इस्लाम, तभी तो यह हो रहा है। फ्रांस में कोई किसी का कार्टून बनाया, इससे पहले डेनमार्क में भी बनाया था, जबकि कार्टून किसी का वो अंदाजा बनाया है, वो जिनका कार्टून बोल रहे हैं और जिनका कार्टून समझ करके ये मान रहे हैं कोई और नहीं है, ऐसा शक्ल सूरत वाला कोई और नहीं हो सकता क्या? वही है जिसके नाम से आप बोल रहे हैं, वो है नहीं है, लेकिन कार्टून बनाने वाले का सर कलम होना चाहिए। इससे पहले भी हुआ था, मेरठ के चुनिंदा एमपी याकूब कुरैशी ने उस कार्टूनिस्ट को मारने के लिए क्या क्या बयान किया था, क्या क्या बखान किया था। तो इस्लाम व्यक्ति पूजा है, इस्लाम मूर्ति पूजा से बड़ा पूजक है। ये कब्र पूजते हैं, ये कहेंगे हम तो कब्र नहीं पूजते हैं, दिवंदी वाले कहेंगे हम कब्र नहीं पूजते, अरे कब्र भले ही भारत में ना पूजो लेकिन जब हज करने के लिए जाते हैं वहाँ पर तो कब्र पूजना ही पड़ता है, रोज़ा का तवाफ़ करना ही पड़ता है। और केवल इतना ही नहीं, एक बात मैं आज आप लोगों को और बता दे रहा हूँ, ये जब मीना में पहुँचते हैं वहीं से इनकी हाजिरी शुरू हो जाती है, ये कितने भारत के साथ विश्वासघात कर रहे हैं देखिएगा, जब ये हज को जाते हैं तो वहाँ पर इनकी वो बयान शुरू हो जाती है, उनकी मानसिकता क्या है देखिएगा, वहाँ जा कर के ये हाजिरी लगाते हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये कहते हैं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। इसका मतलब अल्लाह सब जगह नहीं है, अल्लाह वही है, तुम्हारी हाजिरी भारत में तुम रहते हो भारत में नहीं लगती, पाकिस्तान में रहते हो पाकिस्तान में हाजिरी नहीं लगती, किसी और मुल्क में रहते हो और मुल्क में हाजिरी नहीं लगती, वहीं तुम्हारी हाजिरी लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर अल्लाह है क्या, केवल अल्लाह वहीं है, अल्लाह और जगह नहीं है, तो तुमसे बड़े अंधविश्वासी और पाखंड लोग कहाँ हैं।
पाखंडी इस्लाम से बड़ा दुनिया में और कोई नहीं है, ये सब अंधविश्वासी हैं और इसी अंधविश्वास के बल पर ये सारा काम कर रहे हैं। इसीलिए आज पहलवान धर्मवीर जी ने बड़ा चुनिंदा सवाल उठाया है और इस्लाम जगत के आलिमों से उन्होंने जवाब मांगा है। आओ, जवाब देने के लिए कौन आ रहा है, सामने आओ, देखता हूँ किनके पास कितना इल्म है। और वैसे ही तो कसाई कुसाई लोग भी भौंक रहे हैं, लेकिन याद रखना चाहिए इस्लाम जगत के आलिमों को भी कि वजिद कुल इमरइन मा कान यजहलुहु वल जाहिलून लिअहलिल इल्म आज़ाऊ, कि जिद करते हैं वो लोग जो नावाकिफ़ होते हैं, इसीलिए आलिम आदमी का दुश्मन होता है जाहिल। इसलिए आलिम बनो, विद्वान बनो, जानकार बनो, ज्ञानी बनो। पर तुम ज्ञानी कहाँ से बनोगे, जिसके कार्टून बनाने से तुम सर्व कलम करते हो, लिखने पढ़ने से जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। बोलो हाँ, वो लिखे पढ़े थे, लिखना पढ़ना जानते थे, ऐसे को तुमने अधिनायक माना है। अब क्या क्या बताया जाए, पूरा पोल है, पोल सामने आओ, सब पता लगेगा। सबको मैं नंगा करके रखूँगा, मैं तो पहले ही बोल दिया हूँ, कहीं शेर की छींक से बिल्ली पैदा हो रही है, कहीं शेर के पूंछ हिलाने से सुअर पैदा हो रहा है। ये सारा गप लूत के उस नाव में सवारी भरने का है। आवना किसको आना है, सामने आओ ज़रा, सच्चाई को लेकर। तुम्हारा सच्चाई है कहाँ, मैं देख लूँगा। और यूसुफ वाला किस्सा तो मैं कल सुनाया ही था, इसलिए आओ, सामने आओ, डिबेट के लिए हिम्मत हो तो सामने आओ। दुनिया के लोग भी जाने सच किसके पास है। सच को धर्मवीर जी ने बोला है, सत को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्दत रहना चाहिए। इसलिए वो उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे अंदर में जो कुरीतियाँ हैं उस पर बोलने की हम हिम्मत रखते हैं, उस पर बोलने की हम साहस रखते हैं, पर तुम्हारी कुरीतियों पर तुम बोलने की साहस ही नहीं रखते हो। तुम्हारी कायरता देखो, तुम्हारी कायरता को तुम खुद समझो कि तुम्हारे में जो कमी है उस पर तुम बोल नहीं सकते और ना उस कमी को छोड़ सकते हो। तुम उसे पत्थर के लकीर मानते हो। आज के दुनिया में चांद में लोग सैर कर रहे हैं और जब पहली बार राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो इस्लाम वालों ने मानने से इनकार किया कि चांद में नहीं जा सकता है। तो ये है अंधविश्वासी लोग। तो धर्मवीर जी के सवालों का जवाब देने के लिए कौन आ रहा है, स्वागत है, आए। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल। सभी दोस्तों को नमस्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, आज पूरी दुनिया में आप देख रहे होंगे क्या क्या हाहाकार मच रहा है, कोई किसी के खिलाफ, कोई किसी के खिलाफ। इस्लाम वाले मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं और अल्लाह ने भी कुरान में ऐसा ही वर्णन किया है, मूर्ति पूजकों के खिलाफ। अब आज आप लोग ही निर्णय लें कि ये लोग दूसरों में कमी निकालते हैं और अपने आप को देखते नहीं हैं। मूर्ति पूजी है क्या, जो मूर्ति पूजक हैं वो अपने हिंदू या दूसरे लोग, वो मूर्ति में परमात्मा को मान के पूजा करते हैं। जबकि आपने देखा होगा मंदिर में कहीं भी अगर वो परमात्मा का ध्यान करते हैं मूर्ति के सामने, तो वो हाथ जोड़ के आँख बंद करके खड़े होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी निराकार परमात्मा को ही मानते हैं। लेकिन कुछ पंडित पुजारियों ने इस तरह की एक स्थिति पैदा कर दी, समाज के सामने डराया गया, तो आज वो ही चलन हमारे समाज में आ चुका है और सब उस परमात्मा में श्रद्धा रखते हुए, मूर्ति में ही परमात्मा को मानते हुए पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसी पद्धति चली आ रही है। जबकि वेदों में इस तरह का कोई भी विधान है ही नहीं। वेदों में एक निराकार सर्वशक्तिमान दयालु कण कण में रमाया हुआ पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए परमपिता परमात्मा, उसी का वर्णन है। बाकी बहुत नामों से उनको पुकारा जाता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम जगत की। इस्लाम जगत मूर्ति पूजकों के लिए बोलता रहता है, उनको चिढ़ाता रहता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ इस्लाम के आलिमों,
आप में और उनमें क्या फर्क है आप बताइए जरा, कि आप जो है काबा में एक स्तंभ एक पिलर पे पत्थर मारते हैं, क्या समझ के कि इसमें शैतान है, जबकि उसमें कोई शैतान वगैरह नहीं है। तो आप अपनी मान्यताओं को देखिए, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने अंदर देखिए, क्या लो उसमें जो है एक जो जड़ पदार्थ है जो स्तंभ है पिलर है उसमें कोई चेतन है नहीं है। लेकिन आप लोग सबसे बड़े मूर्ति पूजा को पूरी दुनिया को धोखा दे रहे हो और दूसरों को बदनाम कर रहे हो, दूसरों पे सवाल खड़े करते हो। कभी आप अपने अंदर भी देखते हो, मैं एक हिंदू हूँ, वैदिक सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, हाँ ये गलतियाँ हैं। हमारे हिंदू इस बात को स्वीकार करते हैं कि कुछ त्रुटियाँ हमारे अंदर आई हैं, हमें वो त्रुटियाँ दूर करनी चाहिए, हमें उन पर सोचना चाहिए, विद्वानों को सोचना चाहिए, हिंदू धर्मगुरुओं को सोचना चाहिए, जो कुरूति आई है उन पर जो है सवाल खड़े करके उसको दूर करना चाहिए। क्या इस्लाम जगत में, इस्लाम जगत के आलिमों में हिम्मत है कि कहें कि हाँ ये गलत है, ये कुरान में जो ये आयतें आई है गलत है? क्या किसी में हिम्मत है? नहीं, चूंकि उनको तो पत्थर की लकीर है, वो बोल ही नहीं सकते, वो सवाल ही खड़ा नहीं कर सकते, उनमें हिम्मत ही नहीं है, चूंकि वो कायर हैं, सच्चाई को अपनाना नहीं चाहते, झूठ के सहारे पे अपनी नाव तैराना चाहते हैं। इस्लाम के आलिमों पूछता है पहलवान दरीब बाप से कि जवाब दें, क्या उस पिलर में शैतान है जिस पर आप जो है पत्थर मारते हो, लेकिन आप उसमें शैतान समझ के पत्थर मानते हो? ऐसे ही जो मूर्ति पूजा करते हैं हमारे हिंदू, वो मूर्ति को नहीं पूजते, मूर्ति में भी परमात्मा को मान के उसकी पूजा करते हैं। समझ गए आप में उनमें क्या फर्क रहा है, जरा बता दीजिए। आप लोग कल देखा होगा आपने बॉम्बे में फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्टर बनाकर और उनको रोडों पर चिपका दिया गया, रोडों पर चिपका दिया, उस पर वाहन आ रहे जा रहे, लोग पैदल जूते चप्पल से चल रहे हैं। तो क्या है ये, उस वहाँ के राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं उसकी मूर्ति बना के आप? चूंकि उसमें क्या, उसमें राष्ट्रपति है उस मूर्ति में? अरे उस पोस्टर में क्या राष्ट्रपति है जिसको आप बदनाम कर रहे हो, जिसको आप जो बेइज्जत करना चाहते हो? यही मूर्ति पूजा है, इसे ही मूर्ति पूजा कहते हैं। आइए इस्लाम के आलिमो जवाब दीजिए, आपके यहाँ कितने तबके हैं जो मजारों को पूज रहे हैं, मजारों पे माथा फोड़ रहे हैं और उसकी आड़ में आपके हिंदू भी जाके पूज रहे हैं? क्या वो है, क्या सत्य है? इस्लाम के आलिमों के पास जवाब नहीं है। हाँ हिंदू, हाँ दूसरे लोगों में हिम्मत है कि अपनी कुरूतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपनी गलत कुरूतियों को सुधार करें, और किया भी है। सती प्रथा बीच में आ गई थी, हमारे यहाँ कोई सती प्रथा नहीं थी, अगर सती प्रथा होती तो राजा दशरथ की जो रानियाँ थी, माता भगवान श्री राम की माँ, क्या उन्होंने सती हुआ? क्या महाभारत में कोई सतीवान नहीं? ये बीच में कुछ बुराइयाँ आई, लेकिन हम लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने उनको दूर किया। हमारे अंदर क्षमता है सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, असत्य को छोड़ना, सत्य को अपनाना। क्या इस्लाम के जगत के आलिमों में मत है? नहीं, वो झूठ को उठाए फिरेंगे और आखिर तक इस धरती पे मार काट मचवा के जब पूरा विनाश नहीं कर देंगे तब तक वे सुधरने वाले नहीं हैं। है मेरे इस्लाम के आलिमों, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह भी इसी बात को कहता है कि मूर्ति पूजकों को मारो, काफिरों को मारो, और आप भी मारते हो। परसों की वो डिबेट थी जी न्यूज की, वहाँ जो कुछ मौलाना बैठे हुए थे तो वहाँ कह रहे कि जब एंकर ने पूछा कि गला काटना क्या इस्लाम के लिए जायज है, तो वहाँ कह रहे हाँ, अगर हमारे नबी साहब की गुस्ताखी में कुछ भी करेंगे तो हम गला काटेंगे। मतलब आपको अल्लाह पे भी विश्वास नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं है, हर एक तरफ आप बहुत बड़ी दुहाई देते हैं कानून की। अरे फ्रांस में हो रहा है और तुम जो यहाँ जुलूस निकालते फिर रहे हो, आग लगाते लगाने को फिर रहे हो भारत में? यही है, यही बताता है कि कुरान जो कहता है तुम्हारे दिमाग में सबके वही बात घुसी हुई है, और जो इस मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आओ मनुष्य बनो, मरुर भवे, मनुष्य बनो, ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, मनुष्य बनो ना सिख बनो ना ईसाई बनो, मनुष्य बनो, आओ लौटो वेदों की ओर,
वेदों में कोई सृष्टि विरुद्ध बातें नहीं है, वेदों में कोई विज्ञान विरुद्ध बातें नहीं है, वेदों में भेदभाव नहीं है। वेद मानव कल्याण के लिए बात करता है, वसुंधरा के कल्याण की बात करता है। तो मेरे इस्लाम के आलिम जवाब दें कि सबसे बड़े मूर्ति पूजक आप हैं या नहीं, किस लिए वहाँ शैतान को समझ के उस पर पत्थर मारते हो आप, किस लिए राष्ट्रपति की जो है पोस्टर लगा के उस पर गाड़ी चलाते हो आप, धोखा दे रहे हो आप, दूसरों में कमी निकालते हो आप। एक तरफ कहते हैं गाय माता का पेशाब पीने वाले, आप जो ऊँट का पेशाब पीते हो, जहाँ से अल्लाह ने कुरान उतारी अरब में सब ऊँट का पेशाब पीते हैं, सब कुल्ला करते हैं। इसलिए अपनी आदतों को छुदार दो, छोड़ दो। भारत की संस्कृति आपकी अपनी, आप हम में से ही हैं, अपनी संस्कृति को अपनाओ, विदेशी संस्कृति को छोड़ दो, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा तुम्हें भी और दूसरे भारतवासियों को भी और इस दुनिया के दूसरे लोगों को भी, और उठाना पड़ भी रहा है। दोस्तों आप सब पे छोड़ता हूँ, क्या सही है क्या गलत। सभी को नमस्ते, भारत माता की जय।